हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो पिछली वीडियो में छपरी भैया अपने छोटे भाई बहन से परेशान होकर उनकी वाट लगाने के लिए उनका एक टेस्ट लेते हैं, जिसका जवाब ना देने पर छपरी माँ से उनका टीवी और पॉकेट मनी रोकने के लिए कहता है। अब भैया माँ से कौन बच सकता है। माँ सोचती है क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर तीनों की ही अकल ठिकाने लगा दी जाए। माँ बोलती है, बेटा छपरी अब से तुम पढ़ाओगे अपने छोटे भाई बहन को, वो भी रोज शाम को, इसलिए आज से तुम्हारा शाम को दोस्तों के साथ फिजूल में घूमना बंद। अब माँ ने कर लिए थे एक तीर से तीन शिकार। ये सुन के तीनों बच्चे शॉक्ड और मम्मी रॉक्ड। अब छपरी भैया को मिल चुका था एक लीगल हथियार अपने भाई बहन को परेशान करने के लिए। भाई बहन भी पूरे खूंखार। उन्होंने सोचा यही है मौका, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब देने में छपरी भैया के दिमाग का भरता बन जाएगा। तो ऐलाने जंग की शुरुआत हुई यूनिफॉर्म मोशन से। छोटा भाई पूछता है, भैया यूनिफॉर्म मोशन बताओ। छपरी कहता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बहन बोलती है, प्रैक्टिकल बताओ, ये तो किताब में भी लिखा है, ऐसे समझ में थोड़ी आता है। तब छपरी कहता है, जब आप रोड पे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और आपके पिताजी आपके पीछे बैठे होते हैं तो उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी रफ्तार ज्यादा दी या एक्सेलरेशन बार बार बढ़ाया तो पीछे से जो गुद्दी पर चमाट आती है वो इस बात का सबूत है कि आपको गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में चलानी है, यानी हर समय गाड़ी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब भाई बोलता है, इसका कोई ग्राफ भी तो होता होगा। ये सुन के छपरी बना देता है एक बढ़िया सा ग्राफ। अब बहन पूछती है, भैया ये टाइम को वर्टिकल एक्सिस पे लगाओ, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही क्यों लगाते हैं, अगर हम शफल कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अब छपरी कहता है, देखो ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ तो वेलोसिटी को वर्टिकल एक्सिस पर और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही रखा जाएगा। उसका कारण है कि वेलोसिटी टाइम पर निर्भर करती है और कन्वेंशनली मतलब बहुत लंबे समय से हम उन वेरिएबल्स को जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करते हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रखते हुए आ रहे हैं, और क्योंकि टाइम किसी चीज पर निर्भर नहीं करता इसीलिए उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखेंगे, लेकिन वेलोसिटी टाइम पर निर्भर करती है और इसीलिए वो वर्टिकल एक्सिस पर आएगी। अब क्योंकि पहले से ही टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में भी टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही आएगा। अब छपरी का भाई बोलता है, भैया मुझे इस ग्राफ को उल्टा बनाना है, मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं बना सकता हूँ। अब छपरी बोलता है, भैया कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। भाई बोलता है, करके दिखा देता हूँ ना, मुझे चाहिए ऐसा ग्राफ, अब बताओ इसमें क्या समस्या है। अब छपरी कहता है, देख भाई जमूरे तेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन गड़बड़ है तेरी वर्टिकल एक्सिस में, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस को डिनोट करती है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ये वाला ग्राफ तो ना बनता, लेकिन स्पेशल केस में जब ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तब हम ऐसा ग्राफ जरूर बना सकते हैं, लेकिन ये पढ़ोगे तुम हायर क्लास में, इसलिए मेरा दिमाग अब मत खाना। अब छपरी की बहन बोलती है, भैया ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो हमें स्कूल में सिखाया है, अब ये बताओ ये कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, क्या इसे हम साबित कर सकते हैं और एग्जाम्पल दे के समझाना। अब छपरी बोलता है, देख भाई छुटकी, इस ग्राफ में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है और इसीलिए इस ग्राफ की सूंड ऊपर की तरफ को घूम गई। और रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम के लिए लेट होते हुए जब तुमने मुझे अपनी बस से कॉलेज की तरफ जाते हुए देखा था तो जो मैं मोशन कर रहा था यानी कि ताबड़तोड़ रफ्तार में उड़ा जा रहा था उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि हर समय मेरी रफ्तार बदल रही थी, यानी हर समय मैं अलग अलग दूरी तय कर रहा था। अब भाई बोलता है, भैया रेस्ट का ग्राफ बनाओ। क्या रेस्ट का भी कोई ग्राफ होता है। छपरी फटाफट आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचकर एक बढ़िया सा ग्राफ बना देता है। ये रहा रेस्ट का ग्राफ। छपरी का छोटा भाई बोलता है, ये ना चलेगा, साबित करो कि ये रेस्ट का है। छपरी कहता है, देख मुन्ना टाइम ही टाइम बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही, और ऐसा होने पर हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज रेस्ट में है, और अगर इसी ग्राफ में डिस्टेंस की जगह पर स्पीड को रख दिया जाए या वेलोसिटी को रख दिया जाए तब हम इसे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहेंगे, क्योंकि अब रफ्तार कांस्टेंट है लेकिन समय बढ़ रहा है। अब बहन बोलती है, भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बताओ, वो बड़ा दिमाग खाता है। अब छपरी स्पीड टाइम एक्सिस पर एक सीधी लाइन खींचकर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना देता है, जिसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रफ्तार समय के साथ साथ एक समान दर से बढ़ रही थी, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल रेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब इस ग्राफ को हाथी की सूंड की तरह खड़ा कर दिया गया तो ये बन गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और इस बार रफ्तार इक्वल रेट से नहीं बदल रही बल्कि अनइक्वल रेट पर बदल रही है, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बहन बोलती है, भैया जरा ये बताओ, अगर आप मोटरसाइकिल पर पहले से ही जा रहे हो और जब मैं आपको देखूं उस समय से मैं आपके द्वारा किए जा रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा। छपरी बोलता है, छुटकी वो होगा ऐसा। अब यहां पर ये हिस्सा ये दर्शा रहा है कि
मैं पहले से ही मोशन में हूँ, लेकिन मुझे देखने वाले ने इस हिस्से में मुझे ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन जैसे ही कोई मुझे ऑब्जर्व करेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मेरा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब छपरी का भाई बोलता है, भैया अगर ब्रेक मारे तो कैसा ग्राफ बनेगा? अब छपरी कहता है, अगर रफ्तार समय में एक समान रूप से घटती है तो इसे हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कहेंगे और वो होगा कुछ ऐसा। अब छपरी की बहन बोलती है, अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से रिटार्डेशन करें तब कैसा ग्राफ बनेगा? छपरी फटाफट एक और ग्राफ बना देता है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। अब क्योंकि यहाँ पर रफ्तार एक समान रूप से नहीं घट रही है, इसीलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। ये सब देखकर माँ बोलती है, बस करो रे मेरे मुन्नो, कितना पढ़ोगे आज? अगली वीडियो के लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं? तो आज का ड्रामा बंद, अब कहानी आगे बढ़ेगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सीखेंगे हम न्यूमेरिकल्स, मोशन की इक्वेशन के डेरिवेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।